नमस्कार, मैं शिवम पटेल। मेरी जुबान समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबरें। सीएम ने किया पंचायत भवनों और सामुदायिक शौचालयों का वर्चुअल शिलान्यास तथा लोकार्पण। छात्र छात्राओं ने विद्यालय में पढ़ाई कर किया खुशी का इजहार। खबरें विस्तार से। आज लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों का वर्चुअल शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। एनआईसी से जुड़े जनप्रतिनिधि व प्रशासनिक अधिकारी। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान वित्त आयोग एवं मनरेगा कन्वर्जेंस से निर्मित होने वाले 102 सामुदायिक शौचालयों व 73 पंचायत घरों का लोकार्पण। 164 सामुदायिक शौचालयों व 480 पंचायत घरों का शिलान्यास हुआ। लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ। इस वर्चुअल कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खीरी सांसद अजय मिश्र, टेनी सदर विधायक योगेश वर्मा, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, सीडीओ अरविंद सिंह, डीपीआरओ मनोज कुमार यादव शामिल हुए। कोरोना काल में शासन की गाइडलाइन के अनुसार 7 माह बाद कक्षा 9 से 12 तक खुले विद्यालयों में छात्र छात्राओं ने की 2 पालियों में पढ़ाई। शहर लखीमपुर खीरी के निकट राजापुर स्थित आरएम ज्ञानदायिनी में लगभग 50% कक्षा 9, 10 तथा 11, 12 के छात्र छात्राओं ने विद्यालय में आकर पढ़ाई कर खुशी जाहिर की। वहीं छात्र कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पढ़ाई के मतलब ऐसा है, पढ़ाई कैसी लग रही है? 7 महीने बाद किताबें यहाँ स्कूल विद्यालय में आएंगी। अच्छा लग रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। पढ़ाई भी हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है। हाँ, पढ़ते हैं। अब अच्छा लग रहा है। अब लग रहा है कोई गाइड करने आए तो पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, क्या इससे पहले जो है ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी? ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी क्या? ऑनलाइन पढ़ाई अटेंड नहीं कर रहे थे। ऑनलाइन पढ़ाई हम अटेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि फ़ोन की दिक्कत थी ना। आप? हम कर रहे थे। तो कैसा लग रहा था ऑनलाइन पढ़ने में? ऑनलाइन पढ़ने में भी अच्छा लग रहा था। ये ऑनलाइन की अपेक्षा स्कूल में ज़्यादा अच्छा लगता है या ऑनलाइन? स्कूल में। स्कूल में क्या परमानेंट आप जले? त्रिवेदी किस स्कूल में पढ़ा रही हैं? आर एम ज्ञानदायिनी इंटर कॉलेज। कहाँ पे स्थित है जी? कहाँ पे स्थित है? आर एम ज्ञानदायिनी इंटर कॉलेज राजाजीपुरम राजापुर में स्थित है। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। काफ़ी समय के बाद में बच्चों के साथ में आज 19 अक्टूबर को हम लोगों का मिलन हुआ, जिससे हम लोगों को अच्छा भी लगा, प्रभावित भी हुए और ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे भी उतना ही उत्साहित हैं जितना हम लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित थे। कोरोना काल में 7 माह से विद्यालय बंद और अब आज गवर्नमेंट की खास लाइनों के जी के उपलक्ष्य में विद्यालय खुले हैं, तो आप पढ़ाई कराने बच्चों के पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाते समय पर बच्चों को बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात तो ये रही कि बच्चे जब एक साथ आके बैठे, क्योंकि बच्चे सब अपने अपने घरों में बंद थे, वो केवल ऑनलाइन तरीके से ही पढ़ाई अपनी कर पा रहे थे, केवल टीचर को ही देख पा रहे थे बस। अदर जो उनके क्लासमेट्स थे वो उनसे ना तो मिल पा रहे थे, ना उनसे बात कर पा रहे थे, किसी भी तरीके का उनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। आज जब वो एक साथ बैठे, भले ही वो 6 फीट की दूरी पर बैठे, लेकिन एक साथ उन्होंने जब अपने आप को एक सिस्टम में पाया तो उन्हें ये लगा कि हम अकेले नहीं हैं। और ये जो वैश्विक महामारी का जो दौर है, इससे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से निपट भी सकते हैं। थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट हमको लेने की ज़रूरत है। 10 वर्ष से हम चलाते हुए जहाँ इस स्थान पर चला रहे हैं, उससे सबसे अधिक हम लोगों को जो परेशानियाँ हुई इसी वर्ष इस महामारी के दौरान हुई। इस महामारी में शासन के द्वारा जो भी गाइडलाइंस हमको जारी की गई, 41 पेज की एक SOP हम लोगों को शासन के द्वारा भेजी गई थी। उस SOP में छात्रों के संबंध में अलग अलग गाइडलाइंस दी गई थी, अभिभावक के संबंध में अलग अलग गाइडलाइंस दी गई थी, शिक्षकों के संबंध में अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है और कर्मचारियों तथा मैनेजमेंट के संबंध में अलग अलग गाइडलाइंस दी गई है। हमारे शिक्षकों और हम मैनेजमेंट के संबंध में जो गाइडलाइन दी गई थी, जैसे कि कॉलेज को सैनिटाइज कराना, सीटों की अलग अलग व्यवस्थाएं करानी, मास्क
साबुन, हैंड वाश, जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएँ थी वो सब हमने खुलने से पूर्व ही पूरी कर ली थी। आपके विद्यालय में नाइन्थ और टेंथ में कक्षा 12 में कितने बच्चे हैं? 9 और 11 में हमारे पास 250 छात्र थे। उन 250 छात्रों को फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से लेके और 11:30 के बीच में बुलाया गया था। सेकेंड शिफ्ट में भी हमारे पास 11 और 12 के छात्रों को बुलाया गया है। टोटल कक्षा 9, 10, 11, 12 टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल 490 छात्र हैं। क्या इनकी अभिभावकों से परमिशन आपको मिल गई? हाँ, उस संबंध में हमारे प्रधानाचार्य द्वारा सभी अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेज दी गई थी तथा गार्जियन स्वयं भी यहाँ पर अनुमति पत्र लेने आया और दे भी गया है। उनमें से 50% से अधिक गार्जियनों ने अपना अनुमति पत्र विद्यालय पर जमा कर गए हैं, उसकी सूचना हमने शासन को आज ही भेज दी है। छात्राओं ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई में कई टेक्निकल कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, अब हम क्लास में बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। शहर में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में अव्यवस्थाओं का शिकार रहा, आज यहां एक भी छात्र कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं आया। वहीं कॉलेज के प्रधानाचार्य का कहना है कि विद्यालय तो खुला है पर छात्रों ने अभिभावकों से सहमति प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक मात्र एक अभिभावक की सहमत प्राप्त हुई है। कुछ अभिभावक आज आकर सहमत पत्र ले गए हैं। 2-4 दिनों में कक्षाएं चालू हो जाएंगी। अभी विद्यालय की साफ सफाई चल रही है। विद्यालय में कोविड सेंटर देरी का कारण बना है। हमारा विद्यालय कोविड-19 का जांच सेंटर था और कल 18 तारीख को शाम तक जांच होने के बाद आज जांच नहीं हुई, सामान मतलब निरस्त हो गया है। सेंटर यहाँ से दूसरी जगह चला गया है। अतः हम पूरे विद्यालय की सफाई करवा रहे हैं और सैनिटाइज करा करके उसके बाद इस बीच में बच्चों की सहमति पत्र लिए जा रहे हैं कितने बच्चे स्कूल आने के लिए इच्छुक हैं। अभी तक जो है बच्चे इतने जागरूक न होने के कारण यहाँ से फॉर्मेट नोट करके ले गए हैं, वो कल सहमति पत्र ज़्यादा आएंगे, आज 2-4 ही सहमति पत्र आए हैं। तक की खास खबरें देखते रहिए मेरी जुबान समाचार यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।